नमस्कार। पूरे भारत की महिलाओं के लिए एक बार फिर से मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में अपलोड कर रहा हूं। भारत की तमाम महिलाएं जिन्होंने सिलाई मशीन के लिए आवेदन अप्लाई किया था, उन सबको एक विशेष सूचना देने के लिए आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जिसको आप कंप्लीट सुनना ताकि आपको आगे की प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए कि अगर आपको सिलाई मशीन की अलॉटमेंट हो चुकी है, आपके पास वेरिफिकेशन कॉल आ चुकी है, तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको क्या तैयारी करनी है, इसके लिए आप इस वीडियो पे बने रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप लोगों को समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ कि आपको अगर सिलाई मशीन का फॉर्म अप्रूव हो चुका है और आपका वेरीफाई हो चुका है, और वेरीफाई होने के बाद आपके पास एक कॉल आएगी, वेरिफिकेशन कॉल में आपको आपकी पूरी जानकारी पूछी जाएगी, आपने किसके लिए आवेदन किया था उसकी जानकारी आपसे पूछी जाएगी। तो आपको पूरी जानकारी जो है वो सही तरीके से वेरिफिकेशन करवाते समय आपको बतानी है। जो भी आपके पास कॉल आए उस कॉल का जवाब आपको, आपने जैसे फॉर्म भरा था उसी हिसाब से आपको उसकी जानकारी देनी है। जैसे ही आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपको ट्रेनिंग सेंटर की लोकेशन बताई जाएगी। ट्रेनिंग सेंटर की लोकेशन बताने के बाद आपको तारीख बताई जाएगी कि कितनी तारीख को आपको वापस ट्रेनिंग पर जाना है और आगे की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करनी है। जैसे ही आपका वेरिफिकेशन क्लियर हो जाएगा, आपका सेंटर अलॉट हो जाएगा और सेंटर की तारीख आपको बता दी जाएगी, तो आपको बड़ी तैयारी के साथ वहां पे जाना है ताकि आपको वहां पर जाने के बाद किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। जब आप ट्रेनिंग सेंटर पे पहुंचेंगे, पहले दिन जब आप ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा जिसमें 4 या 5 क्वेश्चन होंगे, और 4 या 5 क्वेश्चन में आपको ABCD के हिसाब से, यानी एक पर्सन होगा उसके 4 उत्तर होंगे, उनमें से जो भी 4 पर्सन आपको या 5 पर्सन आपको दिए जाएंगे वो आपको सिलाई के संबंधित ही कुछ पर्सन हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, जिससे उनको ये पता चल पाए कि आप सिलाई का काम जानते हैं या नहीं। सभी महिलाएं जब ट्रेनिंग सेंटर लोड हो जाए और जब आपको ट्रेनिंग सेंटर में पहला दिन हो तो उस दिन आपको सिलाई मशीन के संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं वो सारे पढ़कर जाने हैं, समझकर जाने हैं, ताकि आपको वहां पर जब प्रश्न पत्र मिले तो उसमें जो भी प्रश्न आए आप उनका सही तरीके से जवाब दे पाए, ताकि आपको वहां पर ट्रेनिंग में शामिल होने का या प्रशिक्षण में शामिल होने का आपको मौका मिले। जैसे ही आपके प्रश्न का जवाब सही मिलेगा और आपको उसके लिए एलिजिबल मान लेंगे, उसके बाद आपको वहां पर 6 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 6 दिन के प्रशिक्षण के दौरान आपको वहां पर डेली सिलाई की और ज्यादा एडवांस जानकारी जो है वो वहां पर अच्छे ट्रेनर आएंगे, जो ट्रेनर आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको जो अच्छे ट्रेनर आएंगे जो इसकी ट्रेनिंग देंगे वो आपको इसकी पूरी कटिंग कपड़े की कटिंग करना और अच्छे से सिलाई करना और बेहतरीन आपको क्या कर सकते हैं आप, बेहतरीन जो नए नए मॉडल्स की जो डिजाइन है कपड़े की उनके बारे में वो आपको पूरी जानकारी देंगे, आपको सिलाई का पूरा काम और एडवांस जो है वो आपको सिखाएंगे। जैसे ही आपके 6 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, 6 दिन में आपको आने जाने का किराया प्लस 500 रुपये पर डे के हिसाब से आपका मेहनताना, जो भी आपका अमाउंट बनेगा, जितना भी पैसा आपका बनेगा वो पैसा आपको 6 दिन के बाद जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद आपके अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। आपको बाई कैश वहां पर सुविधा नहीं दी जाएगी, वो सारे के सारे पैसे आपके अकाउंट में ही ट्रांसफर होंगे। टूलकिट, अगर जिस लोकेशन पर आप जा रहे हैं, जिस ट्रेनिंग सेंटर पर आप जा रहे हैं, उस ट्रेनिंग सेंटर पर अगर सिलाई मशीन अवेलेबल है या टूलकिट अवेलेबल है तो आपको टूलकिट देंगे। अगर टूलकिट वहां अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको वो 15,000 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे आपको सिलाई मशीन खरीदनी है और आपको अपना आगे के लिए जो बिजनेस है वो कंप्लीट करना है। सभी महिलाएं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सभी को ये प्रॉपर जानकारी मिल पाए। जैसे ही आपकी 6 दिन की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी आपको इसका टूल किट का पैसा जो है वो आपके अकाउंट में दे दिया जाएगा, या वहां पर अगर टूल किट अवेलेबल होगी तो वहां से आपको टूल किट मिल जाएगी। उसके बाद आपको एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और एक आईडी प्रूफ आपको जारी किया जाएगा, जो आपके भविष्य में आप किसी भी बैंक में जब लोन के लिए अप्लाई करेंगे, जैसे इसका दूसरा स्टेप है कि आपका प्रशिक्षण कंप्लीट हो जाता है
आपको टूलकिट के पैसे मिल जाते हैं, आपको एक प्रमाण पत्र मिल जाता है, 15,000 रुपए भी आपको टूलकिट के मिल गए। उसके बाद अगर आप अपना बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप बैंक से जाकर लोन ले सकते हैं। लेकिन लोन सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिन महिलाओं को इस प्रशिक्षण के दौरान कंप्लीट प्रोसेस करने के बाद, जैसे उनका एक अंतिम एग्जाम होगा, जैसे ही आपका कंप्लीट प्रशिक्षण हो जाएगा, कंप्लीट प्रशिक्षण होने के बाद भी आपका एक और एग्जाम होगा। ये एग्जाम में भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिससे ये पता चल पाए कि क्या आपने जो प्रशिक्षण लिया है आप उसमें बिल्कुल पूरे ट्रेंड हो गए, आपको सारी चीजें बिल्कुल समझ में आ गई। तो इसी से मिलते जुलते जो सवाल हैं, सिलाई मशीन या सिलाई से मिलते जुलते जो सवाल हैं, ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। उन सवालों के भी जवाब आपको प्रश्न पत्र में देने हैं। अगर वहां पे आप बिल्कुल क्वालिफाइड हो जाएंगे तो उसके बाद आपको एक प्रमाण पत्र, एक आईडी कार्ड जारी करेंगे, और जारी करने के बाद फिर आप अगर चाहें तो आपने अगर फॉर्म में और लोन के लिए भी अप्लाई किया था तो उसके लिए आप बैंक में जाकर उससे अपना लोन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप लोन अप्लाई करेंगे तो आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड और बैंक की पासबुक, ये तीनों चीज आपको बैंक में देनी है, उसी के आधार पर वो आपको लोन देंगे। इससे पहले मैं एक जानकारी आपको और बता देता हूँ कि जैसे ही आपका प्रशिक्षण कंप्लीट होता है तो उस समय आपसे कुछ डॉक्यूमेंट वहां सेंटर पर मांगे जाएंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स वो आपसे मांगेंगे, तो उसमें आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक और 6 फोटो, ये आपको सेंटर पे जमा करनी है। ये जमा करने के बाद आपको ये प्रशिक्षण के जो डॉक्यूमेंट है वो तैयार करके आपको दिए जाएंगे। उसके बाद आपको बैंक की प्रोसेस करनी है। बैंक की प्रोसेस के लिए भी आपको अपने डॉक्यूमेंट जो है वो बैंक को प्रोवाइड करानी है। बैंक को जो जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी वो बैंक की तरफ से आपको बता दिया जाएगा कि बैंक जब आपको लोन पास करेगी या लोन देगी तो उस समय उनको कौन कौन से दस्तावेजों की रिक्वायरमेंट होगी, ये बैंक वाले आपको बताएंगे। तो बैंक का प्रोसेस जो है वो आगे से, जैसे ही कोई भी फर्स्ट लोन अप्रूव होता है या किसी का लोन जारी करते हैं, वैसे ही हमें कोई जानकारी मिलेगी तो हम आपको तुरंत बैंक से पूरी जानकारी लेंगे कि आपको बैंक से आगे क्या क्या प्रोसेस होगा, किस प्रकार से आपको लोन अप्लाई करना है, कैसे आपको लोन मिलेगा, ये जानकारी मैं आपको आगे वाले वीडियो में दे दूंगा। कि आपको प्रशिक्षण कंप्लीट करने के बाद बैंक में जब जाएंगे और लोन जब अप्लाई करेंगे तो उसका क्या प्रोसेस है, ये प्रोसेस मैं जस्ट अगला वीडियो जो है वो अपलोड कर रहा हूँ बहुत ही जल्द, जिसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो तमाम भारत की महिलाएं, अगर किसी को कोई भी समस्या है, कोई जानकारी अगर समझ में नहीं आती है, कोई बात अगर आप पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख सकते हैं, जिससे मैं आपके कमेंट पढ़कर आपको जवाब दे दूंगा। कि आपको कोई भी अगर समस्या है तो आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मेरी जानकारी अगर अच्छी लगी है तो सबके साथ शेयर करना और लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि मैंने जो जानकारी आप लोगों के लिए बनाई है, जो जानकारी मैंने आप लोगों को दी है, क्या आपको बिल्कुल समझ में आई है। कोई प्रकार की अगर कोई समस्या है, कोई समझ में नहीं आई है, तो आज मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।